हाय गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए हमारे पास लियो आया है। लियो जो कि साइबेरियन हस्की है। नहीं नहीं, क्या हो गया। अभी हमारे पास पीछे एक गोल्डन रिट्रीवर है, उसको खोल दीजिए उसको। ना। तो साइबेरियन हस्की, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये स्पीसीज जो है साइबेरिया की है। तो इनको हमेशा ठंडे में रहना ज़्यादा पसंद है। फिलहाल लियो आज फोटो वीडियो के मूड में इसलिए नहीं है क्योंकि इनका पूरा ध्यान बेला के ऊपर है। अरे बेला तुम्हारी लैला नहीं है यार, तुमको साइबेरियन हस्की दिला जाएगा, बड़े हो जाओ पहले। तो अभी जो लियो है, अभी 6 मंथ अप्रोक्स, ये 6 महीने के हो गए हैं और ये हमारे पास से ही गए थे, बहुत छोटे से थे। आप जो वाइट साइबेरियन हस्की की वीडियो देखते हैं ना, 4 महीने 5 महीने 6 महीने 7 महीने पहले वाली, ये वही पपी है जो आज बड़े होके मेरे पास अपने रेगुलर चेकअप पे आया हुआ है। और प्रॉपर आप देखिए ब्लू आइज है। कैमरन भाई साहब से दरख्वास्त है कि इनकी आंखों पे जूम करें थोड़ा सा, नीली आंखें हैं इसकी, कैमरे पे दिख पाए या नहीं दिख पाए। और ये बहुत सुंदर लगता है और अक्सर जब ये चांद को देखकर ऊपर मुंह उठा के हाउलिंग करता है, ओ माय गॉड, पूरा भेड़िया ही लगता है। तो जिन भी लोगों को अलग किस्म का शौक है, कुछ अलग रखना है, कुछ यूनिक रखना है, कुछ हट के रखना है, तो उनके लिए साइबेरियन हस्की है। बट सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब आप इस लेवल के डॉग को अपने यहाँ अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर अपने यहाँ रख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है सेट कि क्या आप इसे एक अच्छा पॉजिटिव बेटा मेरा परिवेश दे पाएंगे, क्योंकि एयर कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटा एसी चलाना है, आपको कूलिंग मेंटेन करनी है। जैसे अभी यहाँ पे ना एसी चल रहा है ना फैन चल रहा है, अभी जो मौसम है सर्दियों का मौसम है, इसके लिए अनुकूल मौसम है। और इस मौसम में ये विदाउट फैन विदाउट एसी बड़े आराम से रह सकते हैं। इनको यूपी में स्पेशली एसी कूलर की ज़रूरत कब पड़ेगी, फेब के बाद मार्च से, जब हम भी बिना पंखे या कूलर के नहीं रह पाते, तब इनको एसी की आवश्यकता पड़ती है। तो कई लोग कहते हैं कि यूपी में रखना क्या इनके साथ ज़्यादती नहीं है, कई कमेंट अभी भी आएगा, अब आप वीडियो देखेंगे तो अब आप लोग कमेंट करेंगे कि ये हरेसमेंट है, ये डॉग ब्रीडिंग के साथ खिलवाड़ है, ये इस ब्रीड के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसा नहीं है। अगर हमने फैसला किया कि हम साइबेरियन हस्की रख रहे हैं या कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी व्यक्ति, और सबसे पहली चीज़ तो ये महंगी ब्रीड है, 10-15 हज़ार की ब्रीड नहीं है जो हर कोई रख सके। एक नॉर्मल सा साइबेरियन हस्की भी आपको कम से कम 50,000 रुपए का मिलता है। इस क्वालिटी का डॉग आपको 60,000, 55,000, 65,000 रुपए में मिलते हैं। तो जो व्यक्ति 60,000, 65,000 रुपए लगा सकता है, वो व्यक्ति इनकी कूलिंग को भी मेंटेन करके रख सकता है। ये क्यों इसलिए तरफ भाग रहे हैं बार बार, क्योंकि इनके ओनर बैठे हुए हैं सामने और ये बार बार ओनर की ओर देख रहे हैं। तो तनय आएंगे, आइए कैमरा पे आइए। तो आइए मिलवाते हैं तनय से, बहुत प्यार से ये लेकर के गए थे और तब ये छोटा था और काफ़ी ज़्यादा, मतलब उस दौरान सेकंड लॉकडाउन ख़त्म ही हुआ था। हाय तनय, कैसे हो? बढ़िया भैया। तो हमारे चैनल पे इनके ओनर हैं, लियो के ओनर तनय हैं। और तनय, वाई साइबेरियन हस्की, मतलब कोई और ब्रीड क्यों नहीं चूज़ किया आपने? यूनिक है, पूरा था और क्या, मतलब आपने देखने को नहीं मिलता है। हाँ, ट्रेंड बड़ा आसानी से हो जाता है, इजीली ट्रेंडेबल है। 3 महीने वो सब सिखाए हैं। तो ओके, क्या क्या सीख गए हैं लियो? ये सिट, स्टे, डाउन, शेक हैंड, ये कुछ कर सकते हैं अभी हमारे साथ? अभी तो उसको देख के एक्साइटेड, अभी एक्साइटेड है तो अभी ट्रेनिंग नहीं सुनेगा, बदतमीजी पे है, कोई नहीं। तो जब आप तने इसको लेकर के जाते हैं बाहर घुमाने, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है इसको देख के? कुछ लोग सियार बोलते हैं, कुछ लोग भेड़िया बोलते हैं। कुछ लोग डर भी जाते होंगे, देखिए गरीब बाप रे, ये कहाँ से लेके आ गए। कुछ लोग फोटो भी खिंचवाते हैं आके, फोटो खिंचवाते हैं इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक, तो मजेदार फील होता है, मतलब सेलिब्रिटी टाइप का। एक साल का है क्या, इतना बड़ा? हाँ, मतलब आपने मेहनत अच्छी करी, हमने गाइडेंस अच्छी करी, ये ब्रीड बहुत अच्छी है, तो लोगों को लगता है ये बड़ा है, बट ये अभी और बड़े होंगे, ये तकरीबन इस हाइट पे आएंगे और बहुत सुंदर, बहुत शानदार दिखेंगे। कोई बात नहीं बेला, काम 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 बेला, काम, दोस्त से मिलो, दोस्त से मिलो। और
नहीं जाने दो, जाने दो बेला को, जाने दो। तो तने जब लोग आपके पास आते हैं आपसे हैंडशेक करते होंगे और बहुत एक्साइटेड रहते होंगे, अरे भैया ये कौन सा डॉग है, अरे भैया वाओ, तो आपको कैसा फील होता है? प्राउड होता है, प्राउड होता है। सो गाइस आप देखिए, जिस ओनर को अपने डॉग की वजह से प्राउड मोमेंट मिल रहा है, हर दिन ये प्राउड मोमेंट आता होगा, ये निकालने निकलते होंगे, 100 लोग पूछते होंगे, 100 में से 10 बार तो इनको जरूर प्राउड होता होगा, तो क्या वो अपने दोस्त को, अपने बेटे को, अपने बच्चे को मारेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो पीटेगा? बिल्कुल नहीं। क्या वो एसी नहीं ऑन करेगा? बिल्कुल नहीं। शायद तने खुद गर्मी में सो जाएंगे बट इसके लिए एसी लगवाएंगे। तो जब भी कोई पेट पेरेंट या हॉबीस्ट साइबेरियन हस्की लेता है तो वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है। या तो मैं जब किसी को देता हूँ तो मैं प्रॉपर एक इंटरेक्शन करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ। तो तने जब आए थे तो हमारे पास भाई आया था ना, आप ही आए थे, तने अपनी मदर के साथ आए थे, तो प्रॉपर एक इंटरोगेशन हुआ या काइंड ऑफ इंटरव्यू हुआ। मैंने जानना चाहा कि इनके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती है, इनका घर कैसा है। अब आप बातों बातों में किसी से पूछो कि भैया पाल पाओगे कि नहीं, तो ईगो हर्ट होता है। तो ऐसे नहीं पूछा मैंने, बातों बातों में जानने की कोशिश करी और जब हमें सेटिस्फैक्शन मिल गया कि हाँ ये लोग बहुत अच्छे पेट पेरेंट्स हैं और एक अच्छे परिवेश में रख पाएंगे, और अब तो खैर घर का रिश्ता बन गया है, घरेलू रिश्ता बन गया है हमारा इनका। इनके बड़े भाई हर्षिल हैं और ये छोटे हैं तने हैं, इनकी मदर से, इनके फादर से भी बातें 2-3 बार हो चुकी हैं मेरी। और जब ये गए थे ना तो बड़ी समस्या ये थी, क्योंकि ये बाहर से आए थे और है ये उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड में तो वैसे ही वेदर बहुत ठंडा रहता है। अरे ये लियो हमारे उत्तराखंड से। तो वेदर चेंज होने की वजह से ये आके खाना पीना छोड़ दिए, तो बड़ी प्रॉब्लम। फिर इनका मूड चेंज हो गया कि भैया बीज दीजिए इसको, नहीं पाल पा रहे हैं। और बहुत नाटक नौटंकी नखरे के बाद ये 4 महीने के होने के बाद तो खाना शुरू किया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि परेशानी नहीं आती, आती है तने, बहुत आती है, बट ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका इलाज ना हो। खाना नहीं खाएगा, थोड़ा सा नाटक करेगा, हाउलिंग करेगा, मोहल्ले वाले कहेंगे कि भेड़िया ले आए हो। फिर मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे तो नेबर ने पुलिस तक बुला लिया था, थाना अध्यक्ष आए, दरोगा आए, मैंने कहा नहीं भैया ये डॉग है, गूगल पे देखिए साइबेरियन हस्की डॉग है, ये भेड़िया नहीं है। ठीक है, तो कोई कुछ भी करता है, नगर निगम को फ़ोन कर देगा, वाइल्ड लाइफ वाले आ जाएंगे। तो जब जानकारी नहीं रहेगी तो ऐसा होता है। तो वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि ट्राईपॉड नहीं है और हमारे कैमरामैन भाई साहब के घुटने और पैर ज़्यादा न दुखाते हुए हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। कमेंट करके गाइस ज़रूर बताइएगा कि लियो कैसा लगा, लियो की आंखें कैसी लगी, और तने से अगर आपको कुछ सवालात कर रहे हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। तने अपनी पर्सनल आईडी से कमेंट के ही थ्रू आपको जवाब बता दिया करेंगे, क्योंकि तने के पास खासा एक्सपीरियंस और अनुभव हो चुका है इसको पालने में। एक जर्मन शेफर्ड लेब्राडोर रॉटविलर पालने वाले के पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो हस्की के ओनर के पास होता है, क्योंकि हस्की का ओनर 50 समस्याओं से उभर के बड़ा होता है। तो तने का 4-5 महीने का एक्सपीरियंस मतलब आपके जर्मन शेफर्ड लेब्राडोर रॉटविलर के 5 साल के एक्सपीरियंस के बराबर हुआ। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, तो 2-4-10 बातें आपको ये भी सिखाएंगे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, आपको लियो से मिलके बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही स्मार्ट, डिसेंट, खूबसूरत डॉग हमारा है लियो, और हमने नाम भी इसका बड़ा चूज करके रखा है लियो, क्योंकि मैं लियो राशि से हूँ, सिंह राशि से हूँ, तो लियो नाम स्पेशली हमें बहुत पसंद है। जब हमें पता चला तो इट वॉज लाइक अरे वाह, अट्रैक्टिव था। और लियो इज लियो, राजा की तरह दिखते हैं ये, दूसरे डॉग से बिल्कुल अलग। चलो बाय, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, परिवारजनों सबको बताइए, उनके अंदर अवेयरनेस लाइए। जिनके अंदर जानवर को पालने की खूबसूरती और दया, ममता, करुणा आपने लाया, वो व्यक्ति झूठ बोलना, बेईमानी और क्या बोलेंगे, मतलब वो कई गलत चीज़ों से बच जाता है। तो मुझे इसलिए मेरा काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं समाज को एक अच्छे मार्गदर्शन की ओर शायद लेके जा पा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ कि नहीं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।